लखनऊ से है, जहां पर देखिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं आज अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, बैठक में देखिए तय किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे सपा कार्यालय में बैठक होने वाली है। तो विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, बैठक में तय किया जाएगा, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो देखिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों के साथ आज वो बड़ी बैठक करने वाले हैं। कल देखिए विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उनके नाम का भी ऐलान किया जाना है। तो इसको लेकर आज विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है सपा कार्यालय में। तो देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, विधायकों के साथ आज उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, बैठक में आज तय किया जाएगा, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाना है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है, लेकिन आज देखिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है सपा कार्यालय में, ये बैठक होने वाली है। तो आज सुबह 10 बजे सपा कार्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समाप्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समाप्त देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका भी आज ऐलान किया जाना है। मुद्दों पर से अपने विधायकों से अखिलेश यादव बात करेंगे। एक तो विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे अहम होंगे उस पर विधायकों के साथ चर्चा होगी, और दूसरी बात अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद ये तय किया जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हालांकि तीन नामों पर चर्चा बेहद जोरों से चल रही है। एक तो इंद्रजीत सरोज जो कि कौशाम्बी से आते हैं, राम अचल राजभर अम्बेडकर नगर से, और शिवपाल यादव का नाम भी इस नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है वो तेजी के साथ आगे आ रहा है कि इनका भी नाम जो है वो चर्चा में है। कुछ विधायक चाहते हैं कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। बहरहाल अब आने वाले समय में कौन नेता प्रतिपक्ष होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव आज बैठक लेंगे और उसमें विधायकों की राय लेने के बाद तय करेंगे कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये तीन प्रबल दावेदार हैं नेता प्रतिपक्ष के नाम के। हालांकि शिवपाल यादव का पाला इसलिए भी कमजोर हो रहा है क्योंकि लाल बिहारी यादव को जो है वो समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में नेता प्रति विरोधी दल बना दिया है। तो अब ऐसी सूरत में क्योंकि पीडीए का फार्मूला लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, तो ऐसे में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इनको आगे बढ़ाना है। एक बात और आपको बताते चलें कि मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद से वहां पर मुख्य सचेतक की कुर्सी भी खाली पड़ी है। उसके लिए यह माना जा रहा है कि कमाल अख्तर जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, विधायक हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, उनका नाम रखा जा सकता है और उनको मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है। तो दोनों पदों पर आज चर्चा होगी, दोनों पदों के लिए विधायक अपनी सहमति देंगे और अखिलेश यादव उस पर निर्णय लेंगे। अब किसके हाथ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लगती है और कौन मुख्य सचेतक बनता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।